जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपका भाई ज़हीर पेंटर आज आपके लिए टेक्सचर डिज़ाइन बनाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो ये डिज़ाइन हम आज बनाएंगे अपने घर में, इसका डेमो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो के ऊपर मत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। बेल को प्रेस करने से आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। तो चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो दोस्तों, मैंने टेक्सचर डिज़ाइन अपना तैयार कर लिया। ये मैपल वाल फुटी है, तो ये खुशक पाउडर होता है, इसको हमने पानी के साथ बनाना होता है। तो फटी को मैंने अपना अलमेंशन लगा दिया था, अलमेंशन के ऊपर ये मैंने टेक्सचर इस तरीके के साथ लगा रहा हूँ। ये देखिए, बहुत ही आसान, आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो वीडियो को जो है पूरा देखा करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसी तरीके के साथ आपने टेक्सचर को लगाना है। किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो, आपका डिज़ाइन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको सिर्फ तैयार करने की ज़रूरत होती है। तो देखिए, मैंने टेक्सचर लगा के अंदर में कंघी के साथ मैंने इसको थोड़ी सी गुलाई दी है, और इसके जो कॉर्नर हैं उनके ऊपर भी हल्का हल्का थोड़ा सा कंघी के साथ काम किया। ये मैंने ग्लव्स पहना हुआ है, तो मेरा एक हाथ जो है वो सही से काम नहीं करता, तो इसलिए मुझे मोटा ग्लव्स पहनना पड़ता है। तो इस तरीके के साथ आपने इसको लगा देना है। तो कुछ देर जो है इसको आप सूखने के लिए छोड़ेंगे। जो भी नज़र आपको जगह आए वहाँ पे आप लगा दो, जितना आप मुनासिब समझे। कुछ घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। देखिए, अब ये हमारा टेक्सचर बिल्कुल सूख चुका है। अब इसके ऊपर हम करेंगे ब्राई। आप फेविकोल भी लगा सकते हो, सीलर वगैरह भी लगा सकते हो। वुड सीलर जो होता है वो भी आप इसके ऊपर लगा दें, ताकि ये अच्छी तरह अपनी जो है प्यास है वो ख़त्म हो जाए इसकी। फिर इसके ऊपर हमने डाला है अपना जो कलर है, ये डार्क ब्राउन है। तो ब्राउन कलर हमने सिर्फ इसके ऊपर कतरे डाले हैं, पूरा इसके ऊपर कलर हमने नहीं डाला। और छोटी बुरश है हमारे पास 1 इंच वाली, उसके साथ ये छोटा डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप दीवार पर बनाएंगे तो इंशाल्लाह चीज़ भी बड़ी होगी और काम भी बड़ा होगा। इसी तरीके के साथ आपने जो कलर पहले लगाना है उसको लगा के कुछ देर उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद आपने नेक्स्ट जो कलर होगा वो लगा देना है। कलर आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस, लेकिन मुझे तो इस कलर में बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है। दोस्तों, आपके लिए मेहनत करते हैं, प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अगर आप पंजाब के कहीं भी इलाके में हैं तो हमें आप ऑनलाइन बुलवा सकते हैं। ये मेरे नंबर स्क्रीन पे मैंने दिए हुए हैं, इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप हमें एक वॉइस मैसेज छोड़ दें, तो इंशाल्लाह हम आपके पास हाजिर हो जाएंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोधा, चकवाल, तलागंग, खुशाब, मियांवाली, इन साइड पर हम जाते रहते हैं। इंशाल्लाह आप भी हमें मौका देंगे तो हम ज़रूर हाजिर होंगे। तो देखिए, इस तरीके के साथ मैंने दो कलर पहले लगाए, अब तीसरा ये है येलो। तो येलो को हमने बिल्कुल हल्का हल्का लगाना है, फिर उसको एंड में हम जो है ना वाइट का टच देंगे हल्का सा। कलर के बजाय अगर आपको L2 मिलती है तो वो भी लगा सकते हैं। ये वाइट है, थोड़ा थोड़ा इनकी जो किनारे हैं उनको हम वाइट कर रहे हैं, हल्का हल्का टच दे रहे हैं बस। ये सूख गया, अब इसके अंदर हम लगा रहे हैं ब्लू कलर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपको 2-3 कलर में दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो के लिए हम मेहनत करते हैं आपके लिए, ताकि आपके किसी भाई के काम आ सके। तो वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करें। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे।
तो आपके लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइन में बनाता रहता हूँ। आप अपनी तरफ से कमेंट्स करके मुझे अपनी राय का भी इजहार मेरे साथ किया करें कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ। तो क्योंकि ये समंदर है, सीखने का मौका मिलता है, हम भी आपसे सीखते हैं, तो अभी तक सीख ही रहे हैं, रोज़ नए से नया काम आ रहा है। अब ये वाइट डाला है एंड इसका टच, फिर ये बिल्कुल तैयार है। इस तरीके के साथ आप जो वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके के साथ आप लगाएंगे तो ये इसी तरीके के साथ होगा। दीवार के लिए ये डिज़ाइन बहुत ही मुफीद, बहुत ही अच्छा और कम खर्च में, और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा। ये डिज़ाइन आज हमारा बिल्कुल ये रेडी हो गया है, ये देखिए। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट्स और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, आपकी मोहब्बत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। उतनी देर तक अपना रखना है आपने बहुत सारा ख्याल, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने करना है इंतज़ार। फिर मिलते हैं, उतनी देर तक अल्लाह हाफिज़।